उत्तर प्रदेश के अमेठी में पूर्व प्रधान के परिजनों ने सबका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मामले में एक आरोपी विधायक के करीबी बताया जा रहा है। पूर्व प्रधान शिव नारायण सिंह पर दबंगों ने लाठी डंडों धारदार हथियारों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। परिजनों की तहरीर पर 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। मांगों को पूरा करने का पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया, जिसे संतुष्ट होकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पूरे गांव में तनाव की स्थिति देखी जा सकती है, जिसे लेकर आधा दर्जन थानों के अलावा पीएसी बल को तैनात किया गया। मामला बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के देवगिरी मजरे संसारपुरा गांव का है, जहां मंगलवार की सुबह खेतों की तरफ से गए पूर्व प्रधान को विपक्षियों ने पीट कर लहूलुहान कर दिया। मंगलवार दोपहर में ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। देर रात सब गांव में पहुंचा तो गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों ने शव को लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस को समझाने पर शव को लगाने की प्रक्रिया तेज हुई। मांगे कि मां भैया जिंदगी की क्यों दे दे, मांग कुछ नहीं है। मैं भैया कह किन लोगों ने हत्या कर दी इनके पर, किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है? भैया एक कराव वाले घटना समर बहादुर सिंह एक खेम में, इनसे कोई पुरानी रंजिश थी भैया किस बात को? कुछ नहीं भैया, जहाँ 4 आदमी बैठे तो वहाँ कह दिए तो फलाने पे बहुत अच्छा मना ही है भैया, यही इतनी रंजिश है, बाकी कोई रंजिश नहीं है। तो अभी तक आपकी पुलिस प्रशासन ने किसी की गिरफ्तारी करी? पुलिस प्रशासन पूरा इनके दबाव में ही है, तक का कि पूरे सचिवालय में इनका अच्छा बैठक है, जहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो रही हो इनके आदमी पहुँचे रहे गलत करे के लिए, मतलब के लिए। अभी तक पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी करी है नहीं भैया? तुरंत गिरफ्तार कर ली इन 4-5 लोगों का, और एक 2 लोग हाई कोर्ट के पता लगे कि हाई कोर्ट लेके टहल रहे हैं इफ्टे के चक्कर में, बाकी इन्हीं लोगों ने जो है उनको फौर बता रहे हैं कुछ होगा नहीं भैया। सन 2011 में मेरे भैया को गोली मारी गई भैया, हम गुहार लगाता रहा। आज के 1 साल पहले भैया निर्दोष फर्जी एक मुकदमा मेरे भैया के नाम लिखा गया, और जो जिसने घटा किया किया जिसने वो किया वो हमारे ऊपर मुकदमा लिख करके छोड़ा गया। अभी आप क्या चाहते भैया? हम तो चाहे थे कि अगर न्याय नहीं दे पाओगे तो अपन यहाँ से शासन प्रशासन हटा ले, हम अपन न्याय कर ले, अपने पूछे हम ये दुनिया में रह योग्य नहीं है, ये तो हमें चल संपत्ति के मुआवजा दे भाग जाए भारत छोड़ के कुमार। बस 7/10/24 को थाना बाजार सुकुल जनपद अमेठी के इब्राहिम बाजगढ़ में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें राजा राम पुरी आरू मड़वा थाना जगदीशपुर के रहने वाले थे, जिनको मारपीट के दौरान काफ़ी चोट लगी थी, जिनको इलाज है CSC बाजार सुकुन पर लाया गया था, जिनको उपचार है ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया, जहां पर इलाज के दौरान राजा राम पुरी की मृत्यु हो गई है, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांत व्यवस्था बनी हुई है।